एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंडियन ब्लॉगर प्रिया। एज यू ऑल नो, समर का बर्थडे आ रहा है तो आजकल उसी के लिए पूरी शॉपिंग चल रही है, ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है। और क्योंकि मैं कहीं जाकर कुछ परचेज कर नहीं सकती हूँ तो इसलिए सब कुछ एडवांस में ही चल रहा है कि इन केस रिटर्न कराना हुआ, फिर दूसरा कुछ ऑर्डर करना हुआ, टाइम लगता ही आने में। सो सामान आजकल धीरे धीरे आ रहा है, सो आई थॉट व्हाई नॉट कि मैं आपके साथ चीज़ सब कुछ शेयर कर दूँ। सो दिस इज़ द ड्रेस जो मैंने हॉपस्कॉच से इसका ड्रेस लिया है। इसमें है ये कॉटन का शर्ट, पूरा फ्लोरल प्रिंट है। ये प्रिंट ऑफ कोर्स सब पे अच्छा नहीं लगता है, बट इतने छोटे बच्चे पे अच्छा लगेगा। एंड आई थिंक जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा तो ऑफ कोर्स वो ये सब नहीं पहनेगा, तो अभी टाइम है कि मैं इसे पहना सकती हूँ। काफ़ी क्यूट लग रहा था उसके ऊपर, मैंने इसे पहना कर देखा था। फुल स्लीव्स में है, ये कॉटन शर्ट है, प्योर कॉटन है। देन इसे हम डिप कर चुके हैं, वॉश कर चुके हैं, तो इसमें से कोई कलर का भी कोई इशू नहीं है, कोई कलर नहीं छूटा। साइज़ मैंने इसका बड़ा रखा है, वो वन ईयर का हो रहा है। इसे मैंने 1.5 से 2 साल वाला साइज़ मंगाया। देन इसके साथ है ये पैंट जो कि बहुत लंबी है। सो इसको मैं कटवाऊंगी नहीं, इससे मैं फोल्ड कर दूंगी अंदर कोई, क्योंकि आई डोंट नो कितने जल्दी इसकी हाइट बढ़ती है, तो शायद बाद में काम आ जाएगा कहीं। तो इसको फ़िलहाल फोल्ड करके इसका काम चल रहा है। वेस्ट इसकी अच्छी आई है, इसमें पॉकेट्स भी मिले हैं एंड हाफ प्लास्टिक है ये बैक साइड से, और फ्रंट में ये स्ट्रेट कपड़ा है आपका। नेक्स्ट इसके साथ आता है क्यूट लिटिल बो, जो कि इसे पहनाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। आई डोंट नो पहनेगा नहीं पहनेगा। देन बेस्ट चीज़ है इसकी गैलिस, गैलिस वाली इसकी पैंट है। ये रिमूवेबल है, इसको मैं किसी के भी साथ पहना सकती हूँ। लॉक इसका काफ़ी सिंपल है, ये इस तरीके से ये खुल जाएगा। देन से यहाँ पर डाल के एंड देन इसको प्रेस कर देना है यहाँ पे, एंड देन ये यहीं पर ही रहेगा, निकलेगा नहीं। ऐसे ही आप इसको सारे साइड से डाल सकते हैं। इसमें ये इसका पैंट रेडी हो गया, स्ट्रैप्स एडजस्टेबल हैं, बड़ा हो जाएगा तब के लिए भी ये आराम से इसको आ जाएगा। सो ये थी इसकी ड्रेस। इसका जो मॉडल पिक्चर था जिस बच्चे ने ड्रेस पहना हुआ है, वो ही बच्चा इतना क्यूट लग रहा है कि उसे देखकर आपका भी डेफिनेटली लेने का मन करेगा। देन इसके साथ मुझे चाहिए थे फुटवेयर्स, सो अगेन फुटवेयर्स भी मैंने यहीं से ही ऑर्डर करे हैं। बहुत सुंदर है ये, लेसेस हैं अंदर के साइड, यहाँ पर आपको जिप है एंड यहाँ पर हल्का सा स्ट्रेचेबल वाला कपड़ा दिया है, बट ये स्ट्रेच नहीं होगा बिकॉज अंदर से इसमें स्टिचिंग हो रखी है दूसरे कपड़े की, बट ये सिर्फ लुक के लिए है। एंड ऑफ कोर्स से लुक भी अच्छा आ रहा है, लाइक सॉक्स पहना हुआ है वैसे वाला लुक आ रहा है। एक्चुअल में एंकल लेंथ बूट है, ये बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छे रहते हैं रादर देन शॉर्ट वाले, क्योंकि वो तो बच्चे एकदम से खींच देता है, एटलीस्ट मेरे वाला तो खींच देता है, तुरंत हाथ लगाया और बाहर। इसको वो नहीं उतार पा रहा है, हमने पूरे एक दिन से पहना कर रखा तो नहीं उतार पा रहा है उसको। सो अभी के लिए तो यही पहनाना चाहिए बच्चों को। देन टॉकिंग अबाउट द सोल, सोल बहुत सॉफ्ट है गाइस, बहुत सॉफ्ट है, तो ये वाला टेंशन बिल्कुल नहीं है कि बच्चे को ये चुभेगा। ये सबसे बेस्ट चीज़ है। देन नेक्स्ट आई हैव दिस थिंग, ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर करा है। मुझे हैप्पी बर्थडे वाला यू नो वो चाहिए था, सो दिस टाइम फर्स्ट बर्थडे है, सो आई थॉट कि मैं इसे कस्टमाइज़ करा लूँ। सो मैंने इसे कस्टमाइज़ कराया है, अमेजोन में मुझे इसका लिंक मिला था एंड देन उसमें व्हाट्सएप नंबर भी था उनका, सो मैंने वहाँ पर मैसेज डाला एंड देन उन्होंने काफ़ी ईजीली यू नो सब कुछ सॉर्टेड था उनका। उन्होंने पूछा ओके आपको किस लिए चाहिए, क्या नाम चाहिए, फिर उन्होंने पूछा आपको किस कलर में चाहिए, तो कलर ऑप्शन के पास थे सिल्वर, गोल्डन एंड ब्लैक, वहीं के थ्रू मैंने पेमेंट कर दिया था। सो काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में आया, हर जो कटिंग थी बोर्ड की, हर उसके बीच में उन्होंने थर्मोकोल का शीट लगाया। एंड देन इसके साथ इन्होंने ये स्ट्रिंग भी भेजा है, आई डोंट नो क्या मटेरियल, आई थिंक बोर्ड ही है, बट बहुत अच्छी फिनिशिंग है। यहाँ से भी
थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है बट टूटने वाला नहीं है। एंड दिस जो भी ये है गोल्डन कलर, कुछ इसका स्पार्कल निकल नहीं रहा है, ये हल्का सा शाइनी है, बहुत सटल सा। अगर आप दूर से देखेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा, हल्का हल्का ग्लिटर करेगा। इसके साथ इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री केक टॉपर भी दिया है। सो ये है केक टॉपर, हैप्पी फर्स्ट बर्थडे समर, एंड देन ये छोटे छोटे से हार्ट्स है दो। तो ये थी समर की शॉपिंग। अभी उसकी और कोई शॉपिंग नहीं बची है, बस एक ड्रेस आनी बाकी है, वो भी मेरी गलती की वजह से। मैंने उसमें बाय डिफ़ॉल्ट मेरा होम एड्रेस पे मैंने डिलीवर करने को बोल दिया और वो वहाँ पहुँच गया और वो मुझे वहाँ से कॉल करता है, मैडम आपका कुरियर है। एंड आई वॉज लाइक ये हिंदी क्यों बोल रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे जितने भी कुरियर वाले आते हैं वो सब तमिल बोलता है। तो मैं कहा भैया कहाँ आया है कुरियर, एंड ही सेड फलाना फलाना लाइक यू नो माई एड्रेस। तो भैया रिटर्न कराना है इसको, तो मैंने साथ के साथ रिटर्न करा एंड अगेन मैंने दूसरा ऑर्डर प्लेस करा, इसीलिए उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। एंड या उसके बाद जो मेन चीज़ें बचती है वो है उसकी बर्थडे डेकोरेशन, उसके बर्थडे डेकोरेशन का सारा सामान, वो भी अभी आ रहा है। एंड वंस सारा सामान आ जाएगा तो मैं आपको वो सब दिखा दूँगी। एंड ऑफकोर्स जिस दिन मैं डेकोरेशन करूँगी उस दिन का वीडियो मैं डेफिनेटली बनाने वाली हूँ, बिकॉज ये लाइफ का मेरा पहला यू नो एज सच डेकोरेशन है कि हाँ मेरे बेटे का बर्थडे है, फर्स्ट बर्थडे है। जितना स्पेशल होना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा है कोविड के वजह से, बट स्टिल क्या कर सकते हैं, बट मैं अपने सारे अरमान घर पे पूरे कर रही हूँ, उसका फर्स्ट बर्थडे मैं बर्बाद नहीं जाने दूँगी। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नेक्स्ट मैं आपको ले जाती हूँ अपनी बालकनी में, वहाँ का मैं आपको एक नज़ारा दिखा देती हूँ। मेरी बालकनी बहुत टाइम से ऐसी पड़ी थी, तो उसमें मैंने बड़े मुश्किल से भी जैसे तैसे टीन शेड लगवाया थोड़ा। अब टीन शेड के नीचे वाला पोर्शन मैं उसका थोड़ा मेकओवर करना चाह रही हूँ। एंड नेक्स्ट मेरा वीडियो वही रहेगा। सी यू देन, बाय।